हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीएससी फाइनल केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ए ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में आए। क्वेश्चन देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बीएससी के सभी सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं। फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तापमान में वृद्धि से ठोसों की जो ऊष्मा धारिता है वो क्या होती है, बढ़ती है। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण है 1/2 mv² इक्वल टू होगा hv - v₀। हैमिल्टीनियम ऑपरेटर निम्न में से किसका है, ऊर्जा का। एक विमीय बॉक्स में उपस्थित कण के लिए प्रसामान्यीकृत तरंग फलन है, इनमें से कोई नहीं। sin(xt) कोई तरंग फलन है, इसके प्रथम व द्वितीय व्युत्पन्न होंगे, क्या होंगे, संतत। कॉम्पटन प्रभाव में एक्स किरणों के फोटोन और तत्व की सतह के इलेक्ट्रॉन में टक्कर होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। एक आइंस्टाइन का मान होता है कितना, nhv/λ। ऊर्जा ऑपरेटर है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। दो परमाणविक ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से आणविक ऑर्बिटल बनते हैं, कितने, दो ऑर्बिटल बनते हैं। ππ·MoS आणविक कक्ष पर होते हैं गोलाकार सममिति के। सेकेंड यूनिट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। किस संक्रमण की ऊर्जा न्यूनतम होती है, घूर्णन। हर्ट्ज इकाई है किसकी, आवृत्ति की। 2000 एंगस्ट्रांग वाली तरंग दैर्ध्य की तरंग संख्या क्या होती है, 1/2000 × 10⁻¹⁸। एच वी किसके बराबर होता है, h·c/λ। भी किसके बराबर होता है, c/λ के बराबर होता है। सेमी तरंग में तरंग संख्या को क्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। रेखीय अणु जैसे C2H2, CO2 आदि में कितनी घूर्णी स्वतंत्रता की कोटि होती हैं, 2। अरेखीय अणु जैसे H2S, H2O आदि में जो स्वतंत्रता की कोटियां होती हैं वो कितनी होती हैं, 3। HCl जैसे द्विपरमाणविक अणु के लिए कंपन की विधाएं कितनी होती हैं, 1। स्थिरांक की इकाई CGS पद्धति में कौन सी है, डाइन इनवर्स सेंटीमीटर। H2O जैसे आरेखीय उच्चतम ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती हैं, 3। यदि 3600 इनवर्स सेंटीमीटर और 1650 पर IR स्पेक्ट्रा में प्रबल बैंड प्राप्त होते हैं तो निम्न में से अणु में कौन सा क्रियात्मक समूह होगा, एल्कोहल। IR स्पेक्ट्रम में 1750 इनवर्स सेंटीमीटर पर यौगिक प्रबल बैंड दर्शाता है कौन सा यौगिक, CH3COCH3। IR स्पेक्ट्रोमेट्री में CO यौगिक कितने कंपन दर्शाता है, तो 2 कंपन दर्शाता है। एक कौन सा यौगिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितने कंपन दर्शाता है, 2 कंपन दर्शाता है। प्रावैग्नी विकिरणों की ऊर्जा कितनी होती है, 750 mm से 2000 mm तक होती है। किस संक्रमण में अधिकतम ऊर्जा आवश्यक है, σ·σ² संक्रमण में। CO2 के IR स्पेक्ट्रम में कितने मूल कंपनों की आशा रखते हैं, 4। इलेक्ट्रोमिकी स्पेक्ट्रा विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के किस क्षेत्र में प्राप्त होता है, दृश्य एवं प्रावैग्नी में। बल स्थिरांक की इकाई है डाइन प्रति सेंटीमीटर। CH3Cl अणु के लिए संभव इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है σ·σ² व n·σ². निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म तरंग सक्रिय नहीं होता है, CO2। कौन सा अणु जो सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रा देता है, HCl। निम्न में से किस संक्रमण की ऊर्जा सबसे कम है, घूर्णन। थर्ड यूनिट से हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। रमन आवृत्ति किसके द्वारा प्रदर्शित होती है, तो vi-vs=∆v। अणु जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करता है, HCl। CGS पद्धति में बल स्थिरांक इकाई क्या होती है, डाइन इनवर्स सेंटीमीटर। प्रति क्वांटम उच्चतम ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय विकिरण कौन से होती हैं, एक्स किरण। रमन स्पेक्ट्रा से
दृश्य और यूवी क्षेत्र प्राप्त होता है। रमन प्रभाव का कारण क्या होता है? तो प्रकाश फोटोनों का विकिरण क्या होता है? रमन प्रभाव का कारण होता है। प्रकीर्णन के कारण आपतित किरणों की आवृत्ति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? रमन प्रभाव कहते हैं। निम्न में से रमन आवृत्ति कौन सी है? VJ-VA=∆V। प्रकाश विकिरणों की तीव्रता ज्ञात की जाती है एल्टोनी मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2+Br2=2HBr। प्रकाश रासायनिक क्रिया की क्वांटम दक्षता बहुत कम होती है क्योंकि Br मूलक की H2 से क्रिया ऊष्माशोषी होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा हमेशा क्या होती है? बढ़ती है। किस संक्रमण में अधिकतम ऊर्जा आवश्यक है? सिग्मा स्टार संक्रमण में। CO2 के IR स्पेक्ट्रम में कितने मूल कंपनों की आशा रखते हैं? 4। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के किस क्षेत्र में प्राप्त होती है? दृश्य एवं परावैगनी में। बल स्थिरांक की इकाई है डाइन प्रति सेंटीमीटर। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा जिसे एक मोल पदार्थ अवशोषित करता है उसे कहते हैं 1 आइंस्टाइन। प्रतिदीप्ति अणु के उत्तेजित होने के कितने समय बाद उत्पन्न होती है? 10^-7 से लेकर 10^-8 सेकंड बाद। इस वीडियो में हमने BSc फाइनल ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर यूनिट 3 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी थे वो कर लिए हैं। इसके आगे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।